गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन योर आर्ट क्लास। सो नाउ वी विल डू वर्क इन आर आर्ट कॉपी। सो बेटा, नाउ स्टार्ट विद मी। यस, वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट टुडेस टॉपिक। जस्ट टेक योर आर्ट कॉपी, स्केल, पेंसिल एंड इरेजर। ओके एवरीवन। सो बेटा, एंड दिस टॉपिक इज इन पेंसिल शेडिंग। ओके, सो दैट्स वाई वी नीड अ कॉटन बर्ड। ओके बेटा, सो अगर आपके पास कॉटन बर्ड नहीं है, ये देखिए मैंने खुद बनाया है। एक मैचिंग स्टिक ले सकते हैं, टूथपिक ले सकते हैं और उसके एक साइड आप कॉटन से कवर कर सकते हैं। ओके एवरीवन। सो बेटा, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्टली हमें बास्केट का यूज समझना है कि बास्केट का यूज क्या है। ओके बेटा, आज के टाइम में हम सब कुछ भी अगर हमें मार्केट से कैरी करना होता है तो हम पॉलिथीन बैग्स यूज करते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। वी शुड अवॉइड दैट, हमें वो अवॉइड करने चाहिए। हमें जो क्लोथ के बने हुए बैग होते हैं, जिन्हें थैला बोलते हैं, वी शुड यूज। सो बेटा, हम बास्केट यूज कर सकते हैं जो कि जूट की बनी होती है। ओके एवरीवन, सो आज हम बास्केट बनाएंगे जो कि जूट की बनी हुई है। सो फॉर द बास्केट व्हाट वी नीड अ स्केल, पेंसिल एंड इरेजर एंड बेटा वन कॉटन बर्ड। ओके, अगर आपके पास कॉटन बर्ड नहीं है, देखिए मैंने खुद बनाया है। एक टूथपिक लेके उसके साइड में मैंने कॉटन से रैप कर लिया है, तो आप भी एक टूथपिक पे कर सकते हैं या फिर मैचिंग स्टिक भी ले सकते हैं। ओके एवरीवन, वी शुड यूज इट फॉर पेंसिल शेडिंग। ओके, नाउ स्टार्ट विद मी। फर्स्टली बेटा, आपके स्केल में एक साइड इंच दी हुई है और एक साइड सेंटीमीटर्स। ओके बेटा, स्केल में मेंशन होगा जिधर इंचेस है उधर आईएन लिखा होगा और जिधर सेंटीमीटर है उधर सेंटीमीटर लिखा होगा। ये देखिए, पास से आप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ आपको शो हो रहा है आईएन, ये इंच है। ओके एवरीवन, ये देखिए ये इंच है आपके। एंड हेयर, हेयर बेटा ये देखिए ऊपर यहाँ, ये देखिए ये सेंटीमीटर है। ओके, सो बेटा आपको पहले क्या करना है, 9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ, 9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे आप। स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है बेटा आपको, ये देखिए 9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई है। आफ्टर दैट बेटा आपको क्या करना है, ये देखिए स्केल को ऊपर ऐसे स्केल रखी लाइन के ऊपर, ठीक है, जैसे हमने ड्रॉ की थी ऐसे ही रखनी है आपको, स्ट्रेट बिल्कुल लाइन से बिल्कुल स्केल के एजेस मिलना चाहिए। देन यहां आप डॉट लगा लीजिए 9 तक। ओके, अब हम फिर से स्केल को और ऊपर कर लेते हैं मूव अगेन। ये देखिए हमने क्या करा है, डॉट के ऊपर सेट कर लिया है अपना स्केल और फिर से स्टार्टिंग पॉइंट एंड 9 सेंटीमीटर पर हमने डॉट लगा दिया। ओके एवरीवन, अब बेटा हमने क्या करा, ये डॉट में डार्क कर देती हूँ जिससे कि आपको शो हो जाए। ये देखिए मैंने डार्क कर दिया बेटा। नाउ आपको ये लाइन यहां पर ड्रॉ कर लेनी है, जो हमने पॉइंट्स लगाए ना इन्हें ज्वाइन कर देंगे हम। ओके एवरीवन, ये देखिए ज्वाइन हो गई। नाउ बेटा व्हाट विल वी डू, हमें 2 सेंटीमीटर यहां से इंक्रीज करना है और 2 सेंटीमीटर यहां से इंक्रीज करना है। ओके, सो फर्स्टली हेयर, ये देखिए 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया। नाउ हेयर ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। ओके एवरीवन, सो नाउ बेटा ये हल्का यहां से मेरी लाइन फोल्ड हो गई थी, इसे हम इरेज कर देते हैं।
यस। नाउ व्हाट विल वी डू? अब बेटा हम इनके साइड में जो इनके पॉइंट्स आ रहे हैं इन्हें हम ज्वाइन कर देते हैं एक लाइन के थ्रू। स्केल यूज करेंगे बेटा लाइक दिस, सेम दिस साइड, बेटा हम ये लाइन डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते थे लेकिन उससे क्या होता हमारी एक लाइन ज्यादा इधर की साइड हो जाती और एक कम हो जाती। हमारा इसमें इसमें बेटा एक लाइन हमारी ऐसे हो जाती और सपोज को एक लाइन ऐसे हो जाती। इट मीन्स मैं देखिए पेंसिल से आपको बता रही हूँ, अगर हमारी एक लाइन ऐसे है ठीक है और दूसरी लाइन हमारी थोड़ी सी भी अगर अंदर या बाहर हो जाती इट मीन्स बोथ लाइन आपकी सेम होनी चाहिए ठीक है। लाइन सेम करने के लिए हमने ऐसा किया है। नाउ बेटा अब हम क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ एक देखिए कॉर्नर में ऐसे कर्व ड्रॉ करेंगे, सेम हियर सेम कर्व ड्रॉ करने हैं आपको। ये देखिए ड्रॉ हो गया। नाउ बेटा अब हम यहां पर भी कर्व ड्रॉ करेंगे, देखिए कैसे। ये देखिए अब ड्रॉ हो गया बेटा। नाउ अब हमें क्या करना है, जिसकी सेंटर लाइन है और ये जो एक्स्ट्रा यहाँ जो एक्स्ट्रा लाइंस आ रही हैं इन्हें हम रब कर देंगे। ओके ओके एवरीवन रब इट। ये देखिए बेटा हमने इसकी सेंटर लाइन और यहाँ से जो एक्स्ट्रा लाइन थी वो हमने इरेज कर दिए। नाउ बेटा अब हमें इसकी देखिए बास्केट की शेप तो आ गई है बट अभी टब जैसा लग रहा है राइट, अभी इसे बास्केट हम इसे बनाएंगे। ओके सो उससे पहले हम इसका एक हैंडल बनाएंगे। हैंडल बनाएंगे बेटा हम, हैंडल हम ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा हम यहाँ क्योंकि हैंडल कहाँ होता है बाहर के साइड से होता है ना, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हैंडल और हमें फिनिश कहाँ करना है यहाँ। ओके सो डू विद मी। सो नाउ बेटा ये देखिए हैंडल हमारा बन गया। बेटा हैंडल हमने यहाँ से स्टार्ट किया है ओके और यहाँ तक ठीक है बेटा, क्योंकि हमें उधर का स्टार्टिंग पॉइंट शो नहीं होगा वो बास्केट के बैक साइड जाना। ओके बेटा नाउ अब हम इसे प्रॉपर लुक देंगे। देखिए हम क्या करेंगे, पहले ऐसे कर्व लाइन ड्रॉ कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ बेटा, ड्रॉ कर दीजिए कर्व लाइन। बट आपको शो नहीं हो रही होंगी तो मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। नाउ वन मोर, ऐसे हमने नीचे का पूरा पोर्शन कवर कर लिया। ओके एवरीवन देन व्हाट विल वी डू हियर, हम ऐसे कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे टू टू कर्व लाइन ड्रॉ करनी है आपको। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे करिएगा बेटा, बिल्कुल पास मत करिएगा अदरवाइज आपकी बास्केट की लुक नहीं आने की। ओके अब फर्स्ट रो में हमने कर दिया, अब सेकंड रो में करेंगे। सेकंड रो में थोड़ा सा डिफरेंट लोकेशन पे, सेम लोकेशन पे मत कीजिएगा। ऐसे हम सारे में कवर कर देंगे। नाउ बेटा हमने बॉटम कर लिया है,
अब इसमें जो इनर वाला पोर्शन है हमें वो कवर करना है। ओके, उसके लिए भी हम कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। बेटा जो हमने यहाँ की कर्व लाइन ड्रॉ की थी, हमने सेम ऐसे ही कर्व लाइन ड्रॉ की थी। अब जो हम अंदर के साइड करेंगे वो हम कर्व लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ओके, जो हमारा हैंडल है उसमें मत कीजिएगा बेटा। यस, नो बेटा, इस टर्न सेम हम अब यहां भी ऐसे ही करेंगे। कर्व लाइन, स्मॉल कर्व लाइन लाइक दिस। बेटा ये वाली कर्व लाइन हमने थोड़ी पास बनाई है, ठीक है। ऐसे ही बनानी है आपको भी। जो बेटा लास्ट वाली जो कर्व लाइन बचेगी उसमें हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, उसे एज इट इज छोड़ दीजिए। ओके एवरीवन, सो नाउ हैंडल, हैंडल में देखिए कैसे बनाएंगे। हैंडल में ऐसे, हैंडल में आप थोड़ी पास भी बना सकते हैं, ऐसे कवर कर देंगे सारा हैंडल। नाउ बेटा बास्केट इज डन, नाउ वी विल डू पेंसिल शेडिंग। ओके, फॉर द पेंसिल शेडिंग व्हाट विल वी डू बेटा, जस्ट पेंसिल को ऐसे ही रब करना है आपको पेपर पर, जैसे हमेशा करते हैं। एक पीस ऑफ पेपर ले लेंगे आप। ओके, देन अब आप इसे ऐसे उल्टा करेंगे और इस पे ऐसे स्प्रेड कर देंगे इवन शेड आना चाहिए बेटा। ओके एवरीवन, इट्स डन। नाउ अब हैंडल करना है बेटा हमें। हैंडल के लिए हम पेपर से नहीं करेंगे क्योंकि हैंडल पतला है तो हो नहीं पाएगा। ओके, सो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमने जहां शेड की है वहां डार्क कर देंगे। ओके, डू आउटलाइन विद द पेंसिल, डार्क डार्क आउटलाइन करेंगे हम पेंसिल से। सो नाउ बेटा हमने डार्क कर लिया इसे। अब देखिए हमें क्या करना है बेटा, हमने जो कर्व लाइन ड्रॉ की थी इसमें इन्हें हम थोड़ा डार्क कर देंगे। ये देखिए ऐसे से डार्क करेंगे, हल्का हल्का सा पेंसिल शेड देंगे, ठीक है, सब में ऐसे कर देंगे। और उसके बाद जो हमने ईयरबड है उससे हम उसे स्प्रेड कर देंगे इवनली, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे सारे पोर्शन डार्क हो जाएंगे। वी हैव टू डू दिस इन हैंडल आल्सो, ठीक है। हमें क्या करना है फिर से बता रही हूँ बेटा मैं आपको, जो हमारी लाइंस थी इनमें हमें हल्की हल्का पेंसिल ऐसे करके चलाना, ठीक है, केवल शेड देनी है, पेंसिल पर प्रेशर नहीं डालना है। और उसके बाद हमें ईयरबड से ऐसे स्प्रेड करना है। ओके, जस्ट डू इट नाउ बेटा। ये देखिए हमने ये कर लिया है कंप्लीट। अब हमारे हैंडल में क्या हो रहा है, हैंडल में हमारा जो डार्क शेड है वो विजिबल है, बट जो हमारा लाइट शेड है वहाँ पेंसिल शेड नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ईयरबड है ऑलरेडी बेटा ये ब्लैक हो चुका है, और हम इसे क्या करेंगे ऐसे स्प्रेड कर देंगे, इससे हल्की हल्की शेड जो हमने डार्क पोर्शन किया है उससे आ जाएगा। ये देखिए बेटा, अगर हम पेपर से करते तो हैंडल से बाहर आ जाता। ये देखिए, ओके बेटा, स्टन। नाउ बेटा अब ये हमारा जो सेंटर का है ना, यहाँ जो पोर्शन है इसे हम हल्का हल्का से डार्क करेंगे ऐसे, ठीक है, और फिर इसे इससे स्प्रेड कर देंगे हम। ये होगा स्प्रेड। ओके, नाउ सेम बेटा हम यहाँ भी कर दिया, थोड़ा सा डार्क कर देंगे हम उसकी साइड से, हल्का हल्का सा शेड देंगे, ज्यादा नहीं देंगे बेटा। मैं बहुत ही इजी स्टेप्स बता रही हूँ आपको शेडिंग के। और हम यहां भी इसे स्प्रेड कर देंगे। ओके बेटा,
नाउ बेटा हम इसे और अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें कहीं कहीं इरेजर से ऐसे कर सकते हैं हम, इससे क्या होगा लाइटनिंग आ जाएगी इसमें, ज्यादा नहीं कीजिएगा, कहीं कहीं करना है। ओके बेटा, नाउ आवर ब्यूटीफुल बास्केट इज डन। बेटा आपको पेंसिल शेडिंग में एक चीज और ध्यान रखनी है, लास्ट में कंप्लीट होने के बाद आप इसके साइड में इरेजर से देखिए शेड बाहर आ जाती है पेंसिल की, उसे रब कर देंगे जिससे कि हमारे वर्क में फिनिशिंग आ जाएगी। नाउ बेटा आई हैव इरेज्ड, अब देखिए हमारी बास्केट कंप्लीट हो गई है। सो बेटा इट्स टू इजी, आपको बिल्कुल ऐसे ही बनानी है। ओके एवरीवन, बेटा थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इट्स नॉट टफ, टफ नहीं है, जब आप इसे करेंगे इजीली हो जाएगी। ओके एवरीवन, सो डू दिस एंड यू हैव टू डू द वर्क वेरी नीटली, यू विल बी एबल टू डू this. Okay, beta? So now, beta, it's turn to homework. This is your homework. You have to complete it. Beta, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, only colors करने हैं. आपको मैंने already idea के लिए colors fill कर दिया है. जहां मैंने black shade दी हुई है, वहां आपको black करना है. Hair, hair, hair. और ये जो आपका pending portion है center वाला, इसमें आपको red करना है. Okay, everyone? So mention here today's date. Here, HA. Okay, so now beta, bye bye, take care and be safe at your home. Okay, bye bye.